हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे फॉर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग के बारे में। जब हमें फॉर बेयरिंग की वैल्यू पता हो तो उसकी मदद से हमें बैक बेयरिंग कैसे फाइंड करना है वो इस वीडियो में हमें जानना है। तो यहाँ पर दो फॉर्मूला, एक दो इजी ट्रिक है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो पहली ट्रिक क्या है कि बैक बेयरिंग ऑफ लाइन जो इक्वेशन है वो बैक बेयरिंग ऑफ लाइन इज इक्वल टू फॉर बेयरिंग प्लस और माइनस 180 डिग्री। और उसमें भी प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है। प्लस जब लेना है कि जो फॉर बेयरिंग की वैल्यू 180 डिग्री से कम हो तब हमें प्लस साइन, और ये इक्वेशन बनेगा फॉर बेयरिंग प्लस 180 डिग्री। और माइनस साइन कब लेना है, जब फॉर बेयरिंग की वैल्यू ग्रेटर देन 180 से ज़्यादा हो तब हमें माइनस साइन लेना है फॉर बेयरिंग माइनस 180 डिग्री। और ये जो पहली जो ये फॉर्मूला है पूरी पूरी कब हम यूज़ करनी है, जब फॉर बेयरिंग की वैल्यू वॉर सर्कल बेयरिंग में दी हुई तब। यहाँ देख सकते हो आप पहला एग्जांपल, उसमें वैल्यू दी है फॉर वॉल सर्कल बेयरिंग के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है, यहाँ पर सिर्फ एंगल ही दिया है 47 डिग्री 30 मिनट। अब दूसरी फॉर्मूला कब अप्लाई करनी है, तो दूसरी जब क्वाड्रेंटल बेयरिंग फॉर्म में हमें एंगल दिया हुआ है फॉर बेयरिंग का एंगल, ये फॉर बेयरिंग का एंगल है, ये किस फॉर्म में है, क्वाड्रेंट बेयरिंग फॉर्म में है। यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्शन दी हुई है एन और ई। तो आपको ये कैसे फाइंड करना है वो मैं इस वीडियो में अभी आके समझाता हूँ। तो पहले हमें फॉर बेयरिंग ऑफ 47 डिग्री 30 मिनट दी हुई है, तो हमें बैक बेयरिंग फाइंड करना है। तो बैक बेयरिंग ऑफ लाइन क्या होगी हमारी, क्योंकि ये वैल्यू 180 से कम है, तो एफ बी मीन्स 47 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 होगा 180 डिग्री। तो हमें बैक बेयरिंग मिलेगी 227 डिग्री 30 मिनट्स। तो इसी तरह आप जो कम एंगल है 180 से उसके लिए फाइंड कर सकते हो। अब ये 195 है तो वो क्या है कि फॉर बेयरिंग वो एंगल 180 से ज़्यादा है, तो हमें ये दूसरा वाला इक्वेशन यूज़ करना है, बैक बेयरिंग इज इक्वल टू फॉर बेयरिंग माइनस 180। तो हमारा फॉर बेयरिंग क्या दिया हुआ है, 195 डिग्री 15 मिनट्स माइनस हमें 180 करना है। तो हमें यहाँ पर बैक बेयरिंग ऑफ लाइन मिलेगी 15 डिग्री और 15 मिनट्स। अब हमें दूसरी जो कंडीशन, दूसरा जो रूल है वो यहाँ पर अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये जो दोनों एंगल है किस फॉर्म में है, क्वाड्रेंट बेयरिंग फॉर्म में है। तो हमें बैक बेयरिंग फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, जब एन जहाँ पर एन होगा वहाँ पर एस लिखना है, और जहाँ पर ई होगा वहाँ पर डब्ल्यू लिखना है। तो यहाँ पर एन है तो हमें क्या लिखना है, एस, और यहाँ पर ई है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू। तो हमें बैक बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी मिल जाएगा, यहाँ पर एस 48 डिग्री 45 मिनट्स डब्ल्यू, ये हमारी बैक बेयरिंग ऑफ लाइन हो गई। ये क्वाड्रेंट बेयरिंग में होगी तो एकदम इजी हो जाएगी, कि जहाँ पर आपने आपको एन से एस और ई से डब्ल्यू लिखना है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर एस है तो मैंने यहाँ दिखाया है कि एस होगा वहाँ पर क्या लिखना है, एन, और डब्ल्यू होगा वहाँ पर क्या लिखना है, ई। तो हमें बैक बेयरिंग ऑफ सी डी लाइन क्या मिलेगी, एन 58 डिग्री 15 मिनट्स ई, ये हमारी बैक बेयरिंग ऑफ सी डी लाइन होगा। तो इस तरह से आप बैक बेयरिंग ऑफ लाइन इजीली फाइंड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।